हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई स्टडी 3.0। मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने टॉप 40 क्वेश्चन लिया है ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड, जो कि ब्रांड एम्बेसडर 2019 के पूरे अपडेटेड हैं और ये 99.9% चांसेस होते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़रूर से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। दोस्तों मैं हमेशा इस चैनल पर जीके जीएस जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर के वीडियोस भी अपलोड करते रहता हूँ, उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे। और इन सभी क्वेश्चन का जो भी PDF है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और साथ के साथ आपको PDF भी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, PM मोदी की पहल भारत की लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो PM मोदी की पहल जिसका नाम है भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो याद रखना है आपको दीपिका पादुकोण और PV सिंधु दोनों को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीपिका पादुकोण और PV सिंधु। ये PM जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरू किया गया है भारत की लक्ष्मी अभियान या पहल है एक, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और PV सिंधु हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो याद रखना है आपको बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जरूर से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा को बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो हाल ही में नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, याद रखना है आपको सुनील शेट्टी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है यहाँ पे नाडा की, तो नाडा का फुल नेम आपको पता होना चाहिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। याद रखना है आपको क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है आपको नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। ये जरूर से याद रखना है आपको, 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली। तो ये जरूर से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो पूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, सुनील छेत्री को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जरूर से याद रखिएगा। पूमा एक जर्मनी की कंपनी है, ये जरूर से याद रखना है आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखना है आपको 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ये जरूर से याद रखना है आपको। 1948 में पूमा जर्मनी की कंपनी है, अभी मैंने आपको बताया। बात करते हैं सुनील छेत्री की, ये एक फुटबॉलर हैं। 2011 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2019 में अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और एक और बात याद रखना है आपको सुनील छेत्री के बारे में, पहला फुटबॉल रत्न अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, ये जरूर से याद रखना है आपको। पहला फुटबॉल रत्न अवार्ड जो मिला है सुनील छेत्री को, तो ये सभी के सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो हाल ही में पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सलमान खान। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जरूर से याद रखना है आपको। पेप्सिको की स्थापना कब हुई थी, बात करें तो हम 1898 में, तो 28 अगस्त 1898 में पेप्सिको की स्थापना हुई। और इसका बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो USA में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये जरूर से याद रखना है आपको, कार्तिक आर्यन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जरूर से याद रखना है आपको। बात करें मान्यवर की, तो मान्यवर की स्थापना कब हुई थी, 1999 में, यानी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो ये सभी के सभी आप बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रीबुक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो हाल ही में रीबुक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, वरुण धवन और कैटरीना कैफ को। तो ये जरूर से याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीबुक का ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन और कैटरीना कैफ दो लोगों को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात करें रीबुक की, तो रीबुक की स्थापना कब हुई थी, 1958 में, ये जरूर से याद रखना है आपको। और इसकी स्थापना की गई थी इंग्लैंड में, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर USA में है, तो ये जरूर से याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीज़ा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वीज़ा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, PV सिंधु को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जरूर से याद रखना है आपको। PV सिंधु को अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है, ये जरूर से याद रखना है आपको। हाल ही में इन्हें BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड में इनको स्थान मिला है और BWF में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है PV सिंधु। तो ये दोनों की दोनों आपको बातें याद रखनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, UPI पेमेंट ऐप भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से याद रखिएगा इसको। तो भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, सलमान खान को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जरूर से याद रखना है आपको। सलमान खान को पेप्सिको का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्वेश्चन पसंद आ रहे, वीडियो पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए, ठीक है। रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखिएगा रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जरूर से याद रखना है आपको। और इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी किस किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये भी आपको याद रखना है आपको। रेड बस का हो गया, सोनाटा के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर है और टाइटन के ब्रांड एम्बेसडर है। कैसे आप याद रखेंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी बस में जा रहे थे, उनको नींद आई, वो सो गए, और जिसमें उन्होंने सपना देखा कि उनकी टाइटन जो घड़ी थी वो चोरी हो गई। तो इससे आपको याद रखना है आपको कि बस में जा रहे थे तो रेड बस हो गया और वो सो गए यानी कि सोनाटा, और उनको सपना आया यानी कि ड्रीम 11 और टाइटन घड़ी उनकी चोरी हो गई, तो ये टाइटन। तो ये चारों के चारों बातें याद रखनी है आपको, सबका ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योनो SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में योनो SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, स्वपन्ना बर्मन को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जरूर से याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, बजरंग पुनिया को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बजरंग पुनिया को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखनी है आपको। किस खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोकिया इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है जो इंडिया में है, तो याद रखना है आपको आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, तो ये जरूर से याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो लोग हैं, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये जरूर से याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, याद रखना है आपको सोनू सद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 29 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा यह शुरू किया गया था, तो ये जरूर से याद रखना है आपको, मोदी जी के द्वारा यह शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली से, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सद। इस अभियान को मोदी जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं के द्वारा यह शुरू किया गया है 29 अगस्त 2019 से, और इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली से ये इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये सभी की सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कल्ट्स स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसे बनाया है कल्ट स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और एक बात इनके बारे में जरूर से याद रखनी है आपको, जसप्रीत बुमराह के लिए टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले
तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। ठीक है, जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो याद रखना है आपको अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का फुल नाम क्या होगा, फुल नेम क्या होगा, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये जरूर से याद रखना है आपको। और सबसे पहले इसे भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था, लगाया गया था जीएसटी को, तो ये जरूर से याद रखना है आपको, असम राज्य में। ठीक है, और इसके अलावा अमिताभ बच्चन के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, इस जीएसटी के अलावा ये और भी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं, और डीडी किसान चैनल के भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। तो ये तीनों के तीनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य के टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो असम राज्य के टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असम राज्य के टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जान अब्राहम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर है, ये जरूर से याद रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश के टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जान अब्राहम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखना है आपको, सानिया मिर्जा और महेश बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो तेलंगाना राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं सानिया मिर्जा और महेश बाबू। और एक बात और याद रखनी है आपको तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना राज्य के बारे में, तेलंगाना राज्य ने 2020 को इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया गया है, तो ये जरूर से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, याद रखना है आपको, ए आर रहमान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ए आर रहमान। अगला क्वेश्चन है, वीवो इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखनी है आपको, आमिर खान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें फ़ोन पे का, तो फ़ोन पे का भी ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान ही है, ये ज़रूर से याद रखना है आपको, जो कि मनी ट्रांसफ़र करता है फ़ोन पे, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। और बात करें भारत पे का, तो भारत पे का है ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, तो ये दोनों के दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखना है आपको, माधुरी दीक्षित। याद कैसे रखना है आपको, माँ अभियान माँ आगे आ रहा है और माधुरी में भी माँ आगे आ रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, माँ अभियान माधुरी दीक्षित, ठीक है, तो माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, माधुरी दीक्षित। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहां पे पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 में, यानी 1894 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली में, तो ये दोनों के दोनों आपको बातें याद रखनी है। और बात करते हैं विराट कोहली की, तो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के अलावा ये अमेरिकन टूरिस्टर, उबर इंडिया, मिंट्रा और गूगल डू, और इन सभी के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक, अमेरिकन टूरिस्टर, उबर इंडिया, मिंट्रा और गूगल डू, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, तो ये सभी के सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नरेंद्र मोदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, नरेंद्र मोदी जी, तो ये ज़रूर से याद रखना है आपका, अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो ये ज़रूर से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रेनॉल्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
रेनॉल्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखिएगा, रणवीर कपूर। ये रणवीर सिंह और कपूर में ज़रूर याद रखना है आपको, रेनॉल्ट इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर कपूर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये ज़रूर से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अमिताभ बच्चन किन के ब्रांड एम्बेसडर हैं? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के, दरवाजा बंद अभियान के और डीडी किसान चैनल, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो ये ज़रूर से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विस्तारा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विस्तारा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है याद रखना है आपको, कौन है? दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विस्तारा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ज़रूर से याद रखिएगा, मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट और रणवीर सिंह, ये ज़रूर से याद रखना है आपको। कपूर और सिंह दो हैं, रणवीर याद रखना है आपको, रणवीर कपूर है और रणवीर सिंह है, तो यहाँ पे आलिया भट्ट और रणवीर सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालया फेस वॉश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालया फेस वॉश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विराट कोहली और ऋषभ पंत को। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो हिमालया फेस वॉश है, उसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और ऋषभ पंत को बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाटा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है बाटा का ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है आपको, कृति सैनन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री है कृति सैनन, बाटा का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में JBL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो JBL एक साउंड की कंपनी है जो कि हेडफोन्स बनाती है, तो याद रखना है आपको, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है JBL? रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणवीर सिंह मैंने बोला है, ठीक है, ये ज़रूर से याद रखना। मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि रणवीर कपूर भी ऊपर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो JBL के जो ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिश टीवी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हाल ही में डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर सी डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और JBL के भी यही ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर कपूर, याद रखना है आपको, JBL के भी ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है, ये ज़रूर से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टैफे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो टैफे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार को। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, सड़क सुरक्षा अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है, और टैफे के भी ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है, तो ये दोनों के दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अपोलो टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अपोलो टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी सचिन तेंदुलकर को हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और ये छठवें भारतीय हैं जो कि हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, ये छठवें भारतीय, ठीक है, और इन्हें हाल ही में अभी स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हिमा दास को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडिडास भी जर्मनी की कंपनी है, ये जरूर से याद रखना है आपको, तो हिमा दास को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो मोटो कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में हीरो मोटो कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? येरी मीना को। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जरूर से याद रखना है आपको, हीरो मोटो कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर येरी मीना को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, हाल ही में ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जो ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, याद रखना है आपको, किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, और मैंने इसको बताया भी था इस क्वेश्चन को, रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन दिया मैंने विराट कोहली, अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी वीडियोज एक साथ देखने को मिलेंगे प्लेलिस्ट वाइज, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब